मुंबई की 5 खबरें सिर्फ मुंबई टीवी टॉप 5 बुलेटिन में। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। सबसे पहली खबर मलाड के मालवानी से, जहां पर पति ने सिर्फ इस बात के लिए पत्नी को मार दिया क्योंकि पत्नी ने उसे पास में सोने से मना कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर सरेंडर किया। दूसरी खबर, मुंबई में आरटीआई के माध्यम से हुआ बड़ा खुलासा। स्टरलाइजेशन ऑपरेशन के तहत यानी नसबंदी के बावजूद 10 महिलाएं हुई प्रेग्नेंट। तीसरी खबर, सहारनपुर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है क्योंकि मुंबई में हाजी इकबाल पूर्व एमएलसी के छोटे भाई, जो पूर्व एमएलसी थे महमूद, को गिरफ्तार कर दिया गया है। गिरफ्तार मुंबई में खनन और रेप मामले से जुड़े हुए थे इनके ऊपर केस, जिसके बाद पुलिस ने 25,000 रुपये का भी इनाम रखा था, लेकिन अब जा कर के मुंबई से हाजी महमूद को भी गिरफ्तार किया गया। चौथी खबर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने यातायात भीड़ कम करने के लिए दीर्घकालीन योजना शुरू करने को कहा है। अब इस योजना के तहत किस हद तक राहत मिलती है ये देखने वाली बात होगी। पांचवी खबर, मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की कंपनी एनएसी के 91 ऑफिसरों के जासूसी का आरोप लगाते हुए ईडी को बड़े सबूत मिले हैं। अब इसके बाद जो पूर्व पुलिस कमिश्नर है संजय पांडे, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसी तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँ एक नई न्यूज़ के साथ।